फ्रेंड्स, कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुरवंगम, वहां पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे, उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें, और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूल में होगा। ये बहुत ही नीट इनके लिए ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है, और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि टेररिज्म का जो सबसे मेन आस्पेक्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस है उसमें एक है नार्को टेररिज्म। जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है, तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है, मॉड्यूल को बस्ट किए हम, इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे। हालांकि हमारे यंग एसपी हनवारा ने इसको आप लोगों से शेयर कर चुका है, मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, वहाँ के कुछ लोग हैं ओपियम को कल्टिवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टिवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं। और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है, जिसको हम लोग ओजीडब्ल्यू करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। लास्ट वीक हम लोग 11th को लैंगट में पुलिस ने एक नाका लगाया था। उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था, जिसके कब्जे से 6 kg हिरोइन मिला और 20 lakh रुपी। उसको फर्दर इंटरग्रेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में मेना में रेड मारा गया, जहां से फर्दर 15 kg हिरोइन मिला और 1,15,00,000 रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 crore का हिरोइन मिला है और 1,35,00,000 का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंटरग्रेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है, जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है, और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं, लेकिन अभी पीओके में है। ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं, और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है, ये लोग यहाँ बेचते हैं। इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 crore रुपया रिसीव किया, उसमें से 3.5 crore को श्रीनगर में मिलिटेंट तंजीम के बीच में बांटा गया है, और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है इसको, और हम लोग और पकड़ना है, क्योंकि मिलिटेंट जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन, वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है, उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को एनआईए को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है, दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है। तीसरी बात जो है, अभी पिछले दिनों में सरपंच पर कुछ अटैक हुआ है, जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कमी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे, चूँकि नाम शेयर कीजिए, हम लोगों को कुछ टाइम डाउट था इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे, फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। एचएम इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो हाल फिलहाल में नीपुरा में मारा गया, 2 मिलिटेंट उमर नवीन मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कन्फर्म कर दिया है। टेक्निकल ह्यूमन से इसको हम लोग लिंक कर लिए। एक आस्पेक्ट बच गया है, जो बैलिस्टिक फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से। उसके रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चलान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके एसपी अनंतनाग शेयर करेंगे। दूसरा जो सरपंच जो एक हमारी लेडी हैं वहाँ के बुमई को, जिसको मिलिटेंट ने किडनैप किया था, वीडियो बनाया था, उस मेड्यूल में भी नए लड़के जो वहाँ को जो वलीद जो तंजीम ज्वाइन किया एलईटी, उसका नाम आ रहा है। वलीद और एक वहाँ का लोकल था, दो उसको किडनैप किया था, वीडियो बनाया, उसको हम लोग, उनके हस्बैंड भी पंच है, उसको हम लोग सेफली ले आए श्रीनगर में, और प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। जो जो सरपंच रियल में वनरेबल है, जिसको स्पेशली थ्रेट है, उससे हम लोग अपील करते हैं कि आप पुलिस को बताएं,
उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे। नहीं, एजेंसी तो पुलिस इसको मॉनिटर करती है, क्योंकि जो भी मरेगा उसका FIR लगेगा, कहाँ पर थाना में लगता है। तो टोटल आज मिला लेंगे तो 94 मिलते मरेंगे। दूसरी बात, सरेंडर के बाद आर्मी का तो उसमें जोशी साहब टेस्ट करते हैं। हर एक ऑपरेशन में हम कोशिश करते हैं कि जो भी टेररिस्ट है वो उसको सरेंडर का मौका दिया जाए। इस ऑपरेशन में भी बकायदा टाइम बहुत कम था, अनाउंसमेंट बेशक किया गया होगा ग्राउंड पे, लेकिन फायर फाइट शुरू हो गया था तो सरेंडर का कोई मौका मिला नहीं हमें। लेकिन शुरू में जब हमने इनको देखा था भागते हुए, तो हमने अपील पक्का किया था कि आप सरेंडर कर सकते। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.